हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मुस्कुराइए मैडम। आप लखनऊ में सामने फॉर्च्यूनर आ रही, लेफ्ट आओ हल्का। हाँ अब हल्का, हाँ अब इधर ही रोक लो, ये पूरा क्लच डैन ब्रेक। अब आ जाने दोस्त को, तो पासिंग रिपोर्ट दे दो, इस बाइक वालों को हॉर्न दे दो ताकि आराम से निकल जाए धीरे से। अब खिसकाओ धीरे से, राइट दबाओ अपना राइट, चलो दबाओ, डरो मत, और राइट दबाओ, राइट दबाओ। हाँ नहीं, उसकी बाइक चली जाएगी। अब लेफ्ट आओ, देखा इस गली में दो ऑल्टो निकालने में बड़ी दिक्कत होती, सामने फॉर्च्यूनर निकल गई। कहते दो लोग ट्रेंड हो ना, समझदारी से आप काम करो तो इसमें ट्रक भी निकल जाएंगे। अब स्पीड बढ़ाइए, पीछे बेचारा एस्प्रेसो वाला परेशान है। लेफ्ट का सिग्नल, अब देखो ये ब्लाइंड टर्न है जहां से कभी भी कोई भी आ सकता है। खतरा में लेफ्ट से नहीं, खतरा राइट से। लेफ्ट टर्न करना, टर्न करो लेफ्ट, एक राउंड घुमा दो बस। हाँ अब I-20 वाले को बचाना, बस अब थोड़ी सी स्पीड लो फुर्ती से, और आगे से राइट टर्न करना जहाँ पे तीन आंटियाँ आ रही बगल में, राइट साइड में, बस वहीं से राइट ले लेना। अब राइट का सिग्नल दे दूँ, सिग्नल दे दिया। हाँ बस यहीं से राइट टर्न करना, थोड़ा आगे जाके अपने राइट वाले RPM को चेक करते रहना। पासिंग डिपर भी यूज़ कर सकते हो आप। अब यहीं से हमें राइट टर्न करना, ध्यान से देखो दीदी जा रही है, राइट टर्न करो। वाह दीदी वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जाओ बढ़ाओ धीरे से, रेस लो हल्का। ये देखो राइट घुमाओ फटाफट, फुर्ती से सीधी करो। आपने साइकिल वाली मैडम को देखा नहीं था क्या? देखा नहीं था जो आपके राइट से निकल रही थी? देखा था, वो स्लो हुई थी फिर आगे आगे। रामलला दीदी जा रही थी राइट से, क्लच दबा के सेकंड गियर करो। आज दिल से चला नहीं रही मैडम, आज सिस्टम आपका सही नहीं लग रहा है। आज इसका एक्सीलरेटर बहुत स्मूथ जा रहा है, एकदम से पड़ रहा है। गाड़ी चेंज है ना, अब ऑल्टो से सीख रही थी, सेंट्रो में ब्रेक पे पैर रखो, स्लो करो, भाग रही, थोड़ा स्लो करो, जाने दो धीरे धीरे। बस ये पैरों का संतुलन आपका बन नहीं पा रहा है, पैरों का जो मूवमेंट है वो सेट नहीं हो पा रहा है, उसी वजह से दिक्कत हो रही है। एक्सीलेटर यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं, आप एक्सीलेटर पे पैर ही मत ले जाइए, बिना एक्सीलेटर के ये 20 की स्पीड में भाग रही है। हॉर्न दे दीजिए, हल्का लेफ्ट ही रखना, ज्यादा राइट मत जाना। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, स्लो करो। हाँ स्लो, ये अब यहां से हमें चलना है राइट स्लो करके। हाँ चलते रहो धीरे धीरे। गुड, हॉर्न राइट रखो थोड़ा। अब यहां से फिर हमें राइट जाना, पहले गियर में करो इसको क्लच दबा के। यस, इस बार आपने क्लच दबाया, देखो मक्खन जैसा गियर लगा। अब राइट में देखो गड्ढा है, ध्यान रखना। वाओ वेरी गुड, बचा लिया आपने, बचा लिया। सेकंड वाले पोल से लेफ्ट लेना है जहां डॉगी खड़ा है, लेफ्ट का सिग्नल दे दो। मैडम लेफ्ट का बोला है, राइट का नहीं बोला है। बहुत बढ़िया, गजब कटिंग करी आपने। उस दिन मैंने यहां बोल दिया था तो आप डर गई थी, आज मैंने इसलिए बोला नहीं। कहाँ? यस, आप तो जान गई, क्या बात है मैडम, आपको इसका मतलब रास्ते याद रहते हैं। हॉर्न दीजिए, हल्का राइट रखो, और राइट, मलबा पड़ा इधर, हॉर्न दो मैडम को, पासिंग भी कर दो, थोड़ा राइट रखो। हाँ राइट, चलो ना, रोकना थोड़ी, अभी कहाँ फैल जाएगा, घर आ गया, इसका मतलब कैंसिल मामला नहीं, याद है आपको बड़ा। नहीं, आपने तो बोला रुकने के लिए। अरे हमने कहा साइड वो दोनों देवियां आ रही थी, इसलिए मैंने बोला था, हमने कहा बोलने के लिए, रुकने के लिए बोला है। टर्न करो, गुड, अब यहाँ से राइट लो, राइट चलना है, हॉर्न
राइट टर्न करो, राइट टर्न, पैर ब्रेक पे काहे नहीं रखे हो, क्यों एक्सीलेटर पे आप ले जा रही हो, क्या चाह रही हो? मतलब 8 दिन छुट्टी के बाद फिर छुट्टी लेना चाह रही हो तो मत ले जाओ ना एक्सीलेटर पे पैर, यहाँ से फिर लेफ्ट लेना है, हल्का राइट दबा के, हाँ लेफ्ट टर्न करूँ, हाँ गुड, और लेफ्ट ब्रेक पे पैर रखना, फिर यहीं से राइट लेना है, हॉर्न सिग्नल सिग्नल, हाँ गुड, ब्रेक पे पैर रखे रहना, एक्सीलेटर कतई मत छूना, कतई लंबा हॉर्न दो, लंबा बजाते रहो, बजाते रहो जब तक मैडम बाहर ना आ जाए। देखा बच्चा कैसे कूद रहा है, हल्का राइट रखो, हाँ और राइट, लेफ्ट आओ, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, और लेफ्ट आओ, बस यहीं रोको, हमें लग रहा है नहीं क्या घर में, रोको न्यूट्रल करो गाड़ी, हैंड हॉर्न में जाओ, अभी आप क्लच ब्रेक छोड़ सकते हो ना, क्योंकि गाड़ी तो न्यूट्रल कर दी आपने, तब क्लच ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है ना। अब आप हैंड ब्रेक लगा लो या ब्रेक दबा लो। जैन सर, अरे शेरी तो आई नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, शेरी आई नहीं है अभी, आई नहीं है अभी ना, कल आएगी, कल आएंगी, कल रात पर, सुबह कब, परसों तक होगा, परसों, चलिए ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक। अरे हम सुने कौन बजा रहा घंटी में पहला गियर करो अब, हालांकि चलाती अच्छा है मैडम, चलाती ठीक है, चला रही है, हैंड ब्रेक हटाओ मैडम, आप ऊपर उठा बटन दबाओ, नीचे ले जाओ, अब पहला गियर डालो, चलो तीसरा है ये पहला है, अभी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता, स्टीयरिंग सीधा कर लो बस, आराम आराम से, झटके से नहीं, गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ ध्यान रखना बच्चे टहल रहे हैं इन गलियों में, अगर आपने मैडम गाड़ी निकालना चला लिया, रखना चला लिया, तो समझ लीजिए बस आप प्रो हो गए, हल्का लेफ्ट आओ और चलो स्पीड बढ़ाओ, और जाओ, और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, जल्दी से चेंज करो, अब आपके मन में एक बात आ रही थी आगे से मुड़ना, तो गियर क्यों चेंज करा दिया था ना ऐसा, बट गियर की प्रैक्टिस हो गई, फिर फर्स्ट गियर करो, राइट जाना, फर्स्ट गियर करो, लेफ्ट दबा के कर्ब लेके, नैरो लाइन एकदम नैरो, चलो फटाफट जल्दी जल्दी, नए टायर लगवाए उन्होंने भी, सीधी करो, हाँ फिर राइट दबा के लेफ्ट, लेफ्ट आओ, हाँ यहाँ से फिर राइट टर्न करना है, राइट ऐसे इधर जाना है हमें, टर्न करो जल्दी जल्दी, गजब क्या बात है, बहुत तगड़ा कटिंग करी आपने मैडम, स्टीयरिंग नहीं देखते हैं, चीटिंग मत करो, रोड पे देख के गाड़ी चलाओ, अभी स्पीड बढ़ाओ, और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर छोड़ो, राइट दबाओ हल्का, हाँ क्लच को फ्री करो, क्लच वाला पैर आपका थोड़ा ऊपर ज़्यादा खिसक रहा है, हल्का राइट रखो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, स्लो करो, हाँ हल्का राइट रखो, हॉर्न, इसका हॉर्न कैसे बजा, अब इसको पहले गियर में कर लो, वापस क्लच दबा के फटाफट, स्पीड तो कम करो, क्लच नहीं छोड़ना था आपको, पहले ब्रेक से स्पीड कम करनी थी, यहीं से लेफ्ट चलना है, टर्न करो, सिग्नल आपने दिया नहीं, फिर इसी गली में राइट लेना है, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, फिर क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो, पहले स्पीड मेंटेन करो, अब क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो, छोड़ो क्लच, जाने दो, हल्का लेफ्ट आओ, राइट रखो, राइट और राइट, लेफ्ट आओ, हॉर्न, आगे से राइट जाना है, पहला गियर कर लो क्लच दबा के, क्योंकि नैरो लाइन है, साथ में पोल भी है, थोड़ा स्लो करो, हाँ आराम से स्लो करके, हाँ यहीं से राइट, आराम से स्लो करो, टर्न करो, टर्न करो जल्दी जल्दी, हाँ ब्रेक छोड़ो, यस, क्योंकि सामने पोल था ना, टर्निंग पॉइंट सीधा सीधा अंदाजा लग जाता है, लेकिन टर्निंग पे नहीं लग पाता है, आगे सीधे चलो,
एकदम स्ट्रेट दाएं बाएं देख के, देख लेना गाड़ी अचानक आ जाती है लेफ्ट और राइट से। ये देखा, ये देखो भाई कॉलोनी के अंदर कितनी स्पीड में जा रही थी गाड़ी, 40 से 50, कितनी थी 50 कम नहीं थी उसकी स्पीड, यहाँ से लेफ्ट चलना। अचानक अभी बच्चे जानवर या कुछ भी निकल आए ना तो फिर संभलेगी नहीं गाड़ी। जहां पे बच्चे जा रहे हैं वहीं पे सीधा सीधा गाड़ी रोकना, एकदम सीधा सीधा गाड़ी, इसको बीच में ले लो, जो मेन होल है सीवर का ढक्कन इसको बीच में लो, स्लो करो। हाँ अब पूरा क्लच दबा के धीरे से ब्रेक लेना है। हाँ अब इसको न्यूट्रल करो, हो गई। अब बैक गियर डालो पूरा अपनी तरफ राइट खींच के खींचो। हाँ गुड, अब लग रहा है फरुखाबाद के पक्का पहली बार में गियर लगाए। अब राइट वाला ओआरबीएम चेक करो, स्टीयरिंग सही पकड़ो। अब अपने लेफ्ट और राइट वाले ओआरबीएम को चेक करके देखो गाड़ी धीरे, ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक को फ्री कर दो, क्लच हाफ छोड़ना 20 से 30%, भागेगी बहुत तेज अपने आप बैक गियर में धीरे धीरे, बस इससे ज्यादा क्लच मत छोड़ना, दोनों मिरर चेक करते रहना, ज्यादा छोड़ दिया आपने, भाग रही है बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अब एक काम करना इसको धीरे धीरे, वो भी शीशा उतारो, थोड़ा शीशा उतारो नीचे, उधर वाला बटन दबाओ, बस ठीक है। धीरे धीरे इसको लेके जाना एकदम चावल चावल धीरे धीरे, ठीक है, और आगे लेके जाओ वहां तक, फिर वापस ले आना, जाओ रोड के ऊपर ही रहनी चाहिए गाड़ी, रोड से नीचे ना आए। ये व्हाइट लाइन जो दिख रही है इसको देखते रहना, जहाँ तेज होने लगे क्लच दबा लेना, स्लो हो जाएगी, दोनों मिरर चेक करना। दोस्तों सीधा सीधा चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बात रिवर्स करने की आती तो हमें यही अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि हम लेफ्ट वाले ओआरबीएम में देखें या राइट वाले ओआरबीएम में देखें या हम लुकिंग ग्लास में देखें। तो आप देख सकते हैं आज इनको 6 डेज हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए, और बाकी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो मैंने इनको गाड़ी इसलिए दे दी है ताकि थोड़ा सा रिवर्स में इनको अंदाज़ा हो जाए कि रिवर्स में कार को कैसे ले जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आ जाओ, वापस आ जाओ।